मध्य प्रदेश के नीमच सिटी में सोमवार शाम को दो समुदायों में एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी हो गई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। नीमच सिटी के कचहरी में बने एक समुदाय के धार्मिक स्थल के नजदीक दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिमा स्थापित कर दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी समझाते रहे, लेकिन समय बीतने के साथ ही दोनों पक्ष उग्र हो गए और पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का भी प्रयोग किया। घटना के बाद कलेक्टर मयंक अग्रवाल, SP सूरज कुमार वर्मा सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस मामले में 3 FIR दर्ज की गई है और 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही नीमच सिटी थाना क्षेत्र में धारा 44 लागू कर दी गई है। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। 5 थाना क्षेत्र के पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों और मकानों के खिड़की दरवाजे को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। इस मामले पर SP सूरज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपद्रव के दौरान कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। पुलिस अधिकारी TI को चोट आई है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। अभी किसी की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में नीमच SP सूरज कुमार वर्मा ने TV9 से फोन पर बातचीत की। सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि अभी तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी है। दोनों पक्षों के करीब 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक पुलिसकर्मी घायल है, जिसके घुटने में चोट आई है। वही एक अन्य शख्स यूनुस भी घायल बताया जा रहा है। उसे उदयपुर रेफर किया गया। हालांकि उसके परिवार से कोई शिकायत करता आया नहीं है, इसलिए उसकी ओर से FIR दर्ज नहीं की गई, और अगर शिकायत आती है तो 4th FIR भी दर्ज की जाएगी। FIR में फिलहाल धार्मिक भावनाएं भड़काने, तोड़फोड़ करने की धाराएं लगाई गई हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य धाराएं भी बढ़ानी पड़ेंगी। रिपोर्ट IPN।